नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। गोचर फल 12 की बात करते हैं। आप हमको देखेंगे, हम पाठ प्रारंभ करते ही आपको क्रम संख्या की ओर ले चलते हैं कि यदि आप क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे आसानी से ज्योतिष सीख सकेंगे। और आपके लिए सुविधा भी तो है, आप हमसे मेल करके, कमेंट करके, फोन करके कोई भी परेशानी होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। यदि कुंडली विश्लेषण भी करवाना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुभ गोचर को पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे हैं वेद स्थान। सूर्य चंद्रमा की बात हो गई है, आज हम लोग मंगल और बुध की बात करेंगे। तो मंगल का सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि तीसरा, छठा और ग्यारहवां गोचर ही सिर्फ शुभ कहा गया है। और बुध के लिए दो का आप टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, दसवां और उसके बाद ग्यारहवां। बारह नहीं लेना, बारह से सिर्फ शुक्र ही शुभ गोचर करते हैं, अन्य कोई भी ग्रह बारहवें स्थान से शुभ गोचर नहीं करते। तो यहां हमने देखा कि शुभ गोचर तो हमको याद है, अब इसका वेद स्थान क्या होता है। तो वेद स्थान को हम लोग, अब तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पहले पाठ में बहुत कुछ समझा है। और क्या समझा है कि जिस स्थान से शुभ गोचर कर रहा है ग्रह, उस स्थान के लिए कौन से स्थान में ग्रह की स्थिति बने तो उसका वेद कर लेगा। सूर्य में देखा था कि हर एक ग्रह जहां से शुभ गोचर कर रहा है वहां से सातवें यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वो उसका वेद कर रहा था शनि को छोड़कर। तो यहां पे यदि ये जन्मकालीन चंद्रमा है आपका, हमने पहले ही पाठ में आपको बताया है, मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि आप यहां लगा लीजिए, और सबसे पहले मंगल का ना शुभ गोचर लिख लिया जाए। यहां मंगल गोचर करेगा तो शुभ होगा, छठे में मंगल गोचर करेगा तो शुभ होगा, और ग्यारहवें में मंगल गोचर करेगा तो शुभ होगा। तो इसको नंबर भी दे दीजिए, एक, दो और तीन, जो आपके लिए सुविधा हो जाएगा कि ये एक नंबर अर्थात तीसरे से यदि गोचर कर रहा है मंगल तो बारहवें। अब देख लीजिए, यहां यदि कोई भी ग्रह हो, अब मंगल का ना कोई पिता ना पुत्र, ऐसा कोई स्थिति बनता नहीं है। चंद्रमा और बुध के लिए बनता, सूर्य और शनि के लिए बनता। तो मंगल के कोई भी ग्रह यदि तीसरे गोचर के समय बारहवें से भी यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो मंगल का वेद हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कि तीसरे स्थान से मंगल गोचर कर रहे हो और बारहवें में सूर्य हो, नहीं हो, चंद्रमा हो, नहीं हो, बुध हो, गुरु हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी यदि बारहवें से गोचर करेगा तो वो उस मंगल का वेद कर लेगा। यहां दृष्टियों की बात हम नहीं काउंट करेंगे कि अब यहां से देख लेते हैं कि यहां से एक, दो, तीन, चार मंगल चौथा देखता है तो वहां से चौथे पीछे अगर काउंटिंग करें, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब मंगल का दूसरा गोचर जो है वो छठे स्थान से, और वो शुभ कहा गया है। तो छठे स्थान से जब शुभ कहा गया तो नौवें स्थान में यहां हम दो लिख देते हैं। यहां यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका इस स्थान से गोचर का वेद करेगा, और वेद करने पर शुभ फल की हानि हो जाती है। ये हम लोग एक ही लाइन में समझना है, इससे ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं। तो यदि छठा गोचर हो रहा है, हमने तो किसी को कह दिया कि आपके लिए शुभ गोचर है और ये ध्यान दिया ही नहीं कि जहां मंगल स्थित है और नवें स्थान में यदि कोई ग्रह है तो उसका वेद हो रहा है, तो हमने वेद को पढ़ा ही नहीं, वेद को देखा ही नहीं, तो हमको रिजल्ट कहां से मिलेगा। हमने कहा धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, रटने की जरूरत नहीं है। हम इतनी बार इसको दोहराएंगे कि आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, याद रटने की जरूरत नहीं होगी। तो अब तीसरा गोचर मंगल का एकादश स्थान से है, और यदि एकादश स्थान से मंगल गोचर है तो ये शुभ गोचर है। तो एकादश स्थान से यदि शुभ गोचर कर रहा है तो ये मैंने यहाँ तीन लिख दिया,
यदि पंचम स्थित कोई ग्रह हो तो फिर एकादश स्थित मंगल का वेद हो जाएगा, तो एकादश स्थित मंगल के शुभ परिणामों की हानि हो जाएगी। कितना सरल था ना समझना, बस इतना ही समझना है। अब हम लोगों ने मंगल को पढ़ लिया, अब बुध की बारी आ जाती है। तो बुध यदि दूसरे स्थान में हो तो शुभ गोचर, बुध यदि चौथे स्थान में हो तो शुभ गोचर, बुध यदि छठे स्थान में हो तो शुभ गोचर, बुध यदि आठवें स्थान में हो तो शुभ गोचर, बुध यदि दसवें स्थान में हो तो शुभ गोचर, और बुध यदि 11वें स्थान में भी हो तो शुभ गोचर। अब ये शुभ गोचर हम लोगों ने बुध का जान लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 11 में यदि बुध गोचर कर रहा है तो शुभ गोचर है, अर्थात यहां से बुध शुभ परिणाम देने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि इसी स्थानों में बैठे बुध का वेद हो जाए तो फिर ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। तो दूसरे स्थान के लिए यहां यदि हम 2 लिखते हैं 1 लिखते हैं तो यहां पे 1, 5वें में बैठा कोई ग्रह होगा जो बुध का वेद कर देगा, लेकिन बुध का वेद चंद्रमा नहीं करेंगे, ये आपको समझना है। और शुक्र और सूर्य साथ ही होते हैं लगभग, एक घर आगे पीछे होने के कारण सूर्य और शुक्र भी बुध का वेद नहीं करते। तब कौन करते? मंगल करते, गुरु करते, शनि करते, राहु करते, केतु करते। तो ये आप लोगों को अब बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए। तो अब यहां एक बारी देख लीजिए, मंगल वेद करेंगे, गुरु वेद करेंगे, शनि वेद करेंगे, राहु वेद करेंगे और केतु वेद करेंगे। चंद्रमा पुत्र होने के कारण वेद नहीं करेंगे। सूर्य और शुक्र आसपास होने के कारण, ये आंतरिक युति करते हैं, बाह्य युति नहीं करने के कारण सूर्य और शुक्र भी बुध का वेद नहीं करेंगे। तो आपने देखा दूसरा गोचर हो रहा है तो 5वें स्थित कोई भी ग्रह चंद्रमा सूर्य और शुक्र को छोड़कर बुध का वेद करेंगे और शुभ फल की हानि करा देंगे। अब यदि चौथे में बुध स्थित हो तब फिर तीसरे बैठे, अब देखिए इससे 12वां बैठा कोई, यहां 2 नंबर लिखते हैं तो 2 ये है, ये इसका वेद करेंगे। अब वेद करने वाले ग्रह आप जानते हैं और ये तीनों वेद नहीं करेंगे। अब बुध यदि छठे बैठा हो तो 9वें स्थित ग्रह, यहां इसको हम अगर 3 नंबर देते हैं तो यहां स्थित ग्रह इसका वेद कर देंगे। अर्थात 9वें में यदि मंगल गुरु शनि राहु केतु स्थित हो तो बुध छठे गोचर का भी शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब 8वें की बात कर लेते हैं, बुध 8वें में स्थित है तो शुभ गोचर करेंगे। और 8वें के लिए पहला स्थान, अगर इसको हम 4 नंबर मानते हैं तो ये पहला में बैठा कोई भी ग्रह 8वें बैठे बुध के शुभ गोचर को नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात वो शुभ गोचर होते हुए भी शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब इस भाव की बात कर लें, 10वें स्थान से यदि शुभ गोचर हो रहा हो, वहां मैंने 5 नंबर लिखा, तो 10वें से शुभ गोचर हो रहा हो तो 8वें स्थित ग्रह, इस स्थान में यदि कोई ग्रह स्थित हो, अर्थात यहां मैं 5 लिख देता हूं, यह आपको समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार 1-2 चार्ट में इसको लगा करके देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो यदि 10वां गोचर हो रहा हो तो 8वें यदि स्थित कोई ग्रह है तो यहां बुध का वेद करेंगे। और कौन कौन वेद नहीं कर पाते? चंद्रमा सूर्य और शुक्र। आगे बढ़ते हैं और 11वें में यदि कोई बुध स्थित है तो 11वें में बुध स्थित है तो देखिए 12वें अगर स्थित कोई ग्रह होगा इस स्थान में तो इसका वेद करेगा। अर्थात 1 नंबर जहां लिखा, दूसरा 1 जहां लिखा उस स्थान में स्थित ग्रह वेद करेंगे, 2 नंबर जहां लिखा, फिर 2 नंबर हमने जहां लिखा है वो उसका वेद करेंगे, फिर 3 नंबर हमने लिखा, 3 यहां 9वें भाव में है तो 9वें स्थित ग्रह छठे स्थान स्थित बुध का वेद करेंगे, फिर यदि 8वें में शुभ गोचर हो रहा है तो लग्न स्थित कोई ग्रह 8वें बुध का वेद करेंगे, 10वें में यदि गोचर कर रहे हैं तो 8वें स्थित कोई
ग्रह बुध का वेद करेंगे, और 11वें यदि गोचर कर रहे हैं तो 12वें स्थित कोई ग्रह बुध का वेद करेंगे और शुभ फल की हानि कर देंगे। तो बहुत सरल है समझना। अभ्यास यदि आप करेंगे तो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, नहीं तब तो ये याद रखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 11 में बताया है आचार्य जी ने कि हाँ शुभ गोचर करेगा, बस उसी को याद रख लिया है, अब आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोज नियमित आधे घंटे भी यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं और यदि जीवन पर्यंत तक पढ़ते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, और किसी के विषय में यदि बताएंगे तो सामने से जवाब हाँ में आएगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। आपके लिए सुविधा है कि यदि कोई संवाद यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, मेल कीजिए, किसी न किसी तरह से हम तक प्रश्न को पहुंचाइए, हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।